आज के व्लॉग में हमाद की शादी भी आएगी। हमाद की मतलब शादी के शूट पे आए हैं। वेडिंग फोटोग्राफर कोई और था, अब हमारा दोस्त है, तो कह रहा था जी के आउटडोर शूट करना है आपने, तो हम लोग उसका आउटडोर शूट करने आए। तो मैं गिम्बल भी लेके आया हूँ। बार थका हारा एक वेडिंग आउटडोर शूट के बाद, जो बार सब ख़त्म नहीं हुआ, अभी शुरू है। सुलेमान भाई अभी भी पिक्चर ले रहे हैं। किसका? एक मिनट उठा लेते हैं। एक मिनट करो ट्रांजिशन। आपकी शादी में खाना खुल गया। आ गया था, जा रहे थे। उफ, टू मच टायरिंग दे रहे थे। ये बंदे से रास्ता पूछा है, इधर तो किसी को रास्ते का भी नहीं पता। मेरे ख्याल से हम लोग जिस तरफ से आए हैं, हमें उसी रूट से वापस जाना चाहिए। थोड़ा सा लंबा तो पड़ेगा, पर क्या करें, अभी वन वे बंद है, तो मतलब दूसरे रास्ते से हमें जाना है आज। यार अजीब ही वैसे आज हो रहा है, मतलब कोई पता नहीं चल रहा हम लोग किधर हैं किधर नहीं है। आज वैसे हमाद की शादी भी थी, उसकी शादी से निकल के आए हैं। इस जगह पे भाई रोड ग्रिप बिल्कुल भी नहीं है, और गाड़ी बस अल्लाह ताला के आसरे पे चल रही है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस जगह पर हालात ऐसे होंगे। भाई वो डेड एंड, यहाँ पे रास्ता नहीं हम लोगों को मिला। और एक और दोस्त की शादी थी, वहाँ पे मैं किए ही नहीं। तो हमाद को दे मुबारकबाद भाई, हमाद शादी की मुबारक हो भाई, बहुत बहुत जल्दी आ गए हूँ, मिल गए हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मुबारक हो भाई, भाई की शादी है। और दूसरा दोस्त जिसकी शादी पे नहीं जा सका भाई, माजरत है, क्योंकि एक और जगह काम था मुझे, और मैं हमाद की शादी भी मतलब उस तरह अटेंड नहीं की, तो इसलिए माजरत है। हल्की हल्की वो बूंदाबांदी हो रही है, बारिश है, और हम लोग बिल्कुल सुनसान जगह पे, मतलब गाड़ी की एच आई डी नज़र आ रही है, और कुछ भी नहीं है रोड पे। तो मैं ज़रा थोड़ी देर तक आपसे करूँगा। सो फाइनली गाइस, वी आर आउट ऑफ द स्केरी लोकेशन। अभी हम लोग इधर पहुँचे हैं, सामने मेरे मैकडोनल्ड है, हम उस रोड पर पहुँचे हैं, और रास्ता बंद है यार, बहुत बहुत जलाल है। तो यह सुनसान रोड था, तो मैंने सोचा कि बजाय वीडियो रिकॉर्डिंग के मुझे ड्राइविंग की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। इलाका मतलब ऐसे ही, आपको हालात का पता है, आगे सियालकोट में किस तरह के हालात चल रहे हैं। सीन ये था कि अभी हम लोग बस पहुंचे हैं सियालकोट में, था मतलब सुबह उठे हैं हम लोग, स्कूल गए हैं, बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा था। वैसे वो सुबह बारिश नहीं थी, बारिश हुई है बाद में, जब सुबह उठे हैं तो थोड़ी धुंध थी, और ऐसे ही था कि जैसे बारिश होगी, और बारिश हुई भी है। और वो एक बहुत अच्छा मौसम था, मतलब भाई का फेवरेट मौसम है, बारिश हो और लॉन्ग ड्राइव पे चलें। और आज बारिश भी हुई है, और आज शॉर्ट ड्राइव पे गए हैं, मतलब लॉन्ग ड्राइव पे नहीं, वीकेंड नहीं है, वर्किंग डे है। तो हमें अपने स्केड्यूल के साथ स्ट्रिक्टली स्टिक रहना पड़ता है, कि मतलब काम के वक्त सिर्फ काम, नो फोटोग्राफी,
नो वीकेंड, नो चिलिंग आउट, जस्ट वर्क। बीकन हाउस के सामने से गुजरा हूँ, बीकन हाउस से, मुझे याद है बीकन हाउस वालों ने मुझे अप्रोच किया, उनमें एक लड़का दाऊद गिल, उसने मुझे अप्रोच किया कि आप हमें, हमारा एक इवेंट आ रहा है बीकन इंस्टा 2.0, तो हमें आप फोटोग्राफी स्पॉन्सर करें। तो उनको मतलब मैंने इनकार कर दिया क्योंकि वर्किंग डेज के अंदर आ रहा है, और वही बात आ गई, इतना टाइट स्केड्यूल होता है कि मतलब हम लोग गाड़ी की आवाज़ आई होगी, गाड़ी बेचारी रो रही है, किधर ले आए हो मुझे। हाँ, इतना टाइट स्केड्यूल होता है कि मतलब वर्किंग डे के अंदर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, काम के वक्त सिर्फ काम, रूटीन है ना भाई, टफ रूटीन है। सो फाइनली गाइस, वी आर इन सिटी एंड वी आर इन द कैंट एरिया। आज मेरी गाड़ी भाई खूब चीखो पुकार कर रही होगी कि आज मुझको किधर ले गए हो, इतना गंदा, इतना टूटा फूटा इलाका, मतलब लोगों का कसूर नहीं, ना भाई मेरा कसूर है, पाकिस्तान आर्मी रोड बना रही है और उसकी वजह से कुछ जगहों पर बैरियर्स हैं और कुछ जगहों पर मतलब रोड ब्लॉक्स हैं। हाँ, पीछे चेक पोस्ट क्रॉस कर रहा था आर्मी वाला, मतलब मुझे कहता है आप रॉन्ग वे पे क्यों आ रहे हैं। मैं उनको बताया कि वो रास्ता बंद था, आगे रोड ब्लॉक लगा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे रॉन्ग वे से आना पड़ा। तो मुझे कहता है कि आप रॉन्ग वे से क्यों आए हैं। मैं उसको क्या बताऊं कि मैं रॉन्ग वे से क्यों आया, रोड ब्लॉक लगाए हुए हैं, रास्ता बंद है, ट्रैफिक उधर से गुजर रही है, लेकिन मुझसे पूछ रहे हैं कि आप रॉन्ग वे से क्यों आए हैं। फिर भी सलूट है भाई, पाकिस्तान आर्मी को सलूट है, काम करते हैं यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी कर रही है, बाकी सब ड्रामेबाजी लगी हुई है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के करीब, मतलब सियालकोट हर तरफ से बॉर्डर के पास है, मतलब हर तरफ से तो नहीं, एक तरफ से लाहौर के पास है और एक तरफ से गुजरात के पास है और दो तरफ से बॉर्डर के पास है, और जिन दो मतलब साइड से बॉर्डर के पास है उन साइड्स पे अगर कभी जाएं तो हमें वैल्यू का एहसास होता है कि हमारी पाकिस्तान आर्मी कितना काम करती है, मतलब दिन रात वहाँ पर सरहद पे खड़े हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी चाहता हूँ और जाके विज़िट करता हूँ और देख के आता हूँ ऐसी जगह, क्योंकि आई जस्ट लव पाक आर्मी और मुझे बहुत शौक है ट्रैवलिंग का। और इस जगह अगर किसी को पता है भाई, ये कैंटमेंट लाइट कैफे है, और भाई मैं फ्राइज़ का दीवाना हूँ, मतलब फ्राइज़ मैं बहुत खाता हूँ, जो फ्राइज़ इमाम बारगा के पास मलक साहब की फ्राइज़ है, वैसी फ्राइज़ आपको ना कैंट डिलाइट कैफे से मिलती हैं, ना मैकडोनल्ड, फ्रेंगोस, पिज़्ज़ा हट, मतलब जो फ्राइज़ थोड़ी सी साथ देते हैं उनका भी टेस्ट वैसा नहीं है जो टेस्ट मलक साहब की फ़्राइज़ का है। मलक फ्राइज़ अगर किसी ने नहीं खाई सियालकोट में रह के तो वो ज़रूर खाए, एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करे। और वैसे ये मलक साहब ने मुझे नहीं अमाउंट नहीं दी, पे नहीं किया कि मैं उनकी मार्केटिंग करूँ, ये मैं अपनी मर्ज़ी से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे दिली तौर पर मलक फ्राइज़ पसंद है। वी हेडिंग टूवर्ड्स आवर होम। आज बहुत थकावट थी भाई, नींद आँखों में भरी पड़ी है, आँखें सुर्ख हुई हुई हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये देखें, चलो अगर नहीं भी हुई तो इमेजिन कर लो सुर्ख हैं और भाई नींद में है। ओके गाइस, आई सी यू सून इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।